सुप्रभात बच्चों, आज आपको ये क्लास वन सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। सब्जेक्ट का नाम क्या है? हिंदी ग्रामर, जैसे कि फ्रंट लाइन पब्लिक स्कूल नवादा, क्लास वन, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण। लेसन नंबर फाइव वाय कर, लेसन नंबर पार्ट पाँच लड़का और लड़की के बारे में पढ़ना, ठीक है। इसमें पढ़ना था कि लिंग से हमें पता चलता है कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे कि पुल्लिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पुरुष, लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग शब्द का। और स्त्रीलिंग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्त्री मीन्स लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग किस के लिए प्रयोग किया जाता है? लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग शब्द, और लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो आइए कुछ शब्द और देखते हैं। जैसे क्या है? नाना। नाना कौन सा शब्द हो जाएगा? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। नाना से लड़के का बोध होता है, ठीक है, तो पुल्लिंग हो जाएगा। राजा पुल्लिंग, नानी, और राजा का क्या? रानी स्त्रीलिंग, और नाना का नानी स्त्रीलिंग, ठीक है। इसे क्या, आप इसे जानिए और पहचानिए। दादा का क्या होगा? स्त्रीलिंग दादी। भाई का स्त्रीलिंग बहन। मामा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मामी। मौसा का स्त्रीलिंग मौसी। शेर का शेरनी, ठीक है। चूहा का क्या होगा? चूहा का चूहिया। पिता का माता। पुत्र का पुत्री। नौकर का नौकरानी। बैल का गाय। ये जो शब्द जो दिया गया है, इधर इस तरफ पुल्लिंग शब्द है, इस तरफ स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि दादा शब्द जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो दादा शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। दादा का स्त्रीलिंग क्या होगा? दादी। इसी भाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बहन, ठीक है। अगर मामा शब्द क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो मामा शब्द क्या होगा? पुल्लिंग, क्योंकि मामा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष के होने का पता चलता है, इसलिए मामा शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। मौसा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। मौसा का स्त्रीलिंग क्या होगा? मौसी। शेर का शेरनी। चूहा का चूहिया, ठीक है। ये आप लिख करके आप कॉपी में याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको कुछ कार्यपत्र दे रहा हूँ अभ्यास कार्य के लिए, इसे आप पूरा कर लीजिएगा। जिसे आप क्या कर लीजिएगा? पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कुछ समझ में आ गया? चलिए, मैं कुछ अभ्यास कार्य के लिए भी मैं जो प्रश्न है उसमें बता देता हूँ, आप सब कॉपी लिख के से बना लीजिएगा। क्या है कार्यपत्र? अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप। क्या लिखा हुआ? अब लिखने की बारी है किसकी? तो आपके लिखने की बारी है। इसे चित्र देखकर लिखिए, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। तो देखिए, माली क्या कर रहा है? माली पौधे को पानी देता है। माली माला बनाती है। कौन बनाती है माला? माली। तो यहाँ क्या भराएगा? माली। मोर पंख फैलाकर नाचता है। मोरनी खुश होती है। क्या होगा यहाँ? मोरनी खुश होती है। भाई बहन, ठीक है, यहाँ क्या पर? भाई बहन ने, भाई क्या है? भाई ने बहन से राखी बंधवाई, ठीक है। अब सही जोड़े मिलाकर नाम भी लिखिए। यहाँ क्या है? राजा। राजा का क्या होगा? रानी। गाय का क्या होगा? बैल। यहाँ क्या है? शेर। शेर का शेरनी। पुरुष का क्या होगा? मर्द। और माता का पिता, ठीक है। ले लीजिएगा आप, बना लीजिएगा आप सब कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद।